तो भैया हमने आपसे बोला था ना कि टिकटॉक वापस आएगा, क्योंकि हमारा दिल गुर्दा सब कह रहा है बे कि टिकटॉक वापस आएगा, तुम टेंशन ना लो। तो यार यहाँ पे मैं आपके लिए टिकटॉक वा से रिलेटेड कुछ न्यूज़वा लेकर आया हूँ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लास्टवा तक देखना, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम टिकटॉकवा यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आप टिकटॉकवा का कुछ वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि टिकटॉकवा चलाई हुई आप लोगों को बहुत दिनवा हो गया है ना, तो आप टिकटॉकवा का कुछ वीडियोस देख के मजवा लीजिए और हम आपको टिकटॉकवा के बारे में कुछ बता देते हैं। सॉरी भाई लोग, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ट्राई कर रहा था बस आप लोगों को हंसाने का। तो यहाँ पे टिकटॉक वापस आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक वापस आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अपन को लग रहा है यार वापस आना चाहिए टिकटॉक। तो टिकटॉक यहाँ पे क्या करने वाला है मैं आपको बता दूँ कि टिकटॉक ने ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे 69 मेरे को कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूज हूँ कि कितने सवाल पूछे गए थे। तो टिकटॉक उन सारे सवालों का जवाब दे चुका है इंडियन गवर्नमेंट को, और साथ ही ये बोला है, मतलब टिकटॉक बैन क्यों हुआ है बे, इसलिए बैन हुआ क्योंकि हमारे डेटा को वो मतलब उससे खतरा था टिकटॉक से, इसलिए टिकटॉक अब कर क्या रहा है, प्लस ये कर रहा है कि अपने डेटा स्टोर को, मतलब जितने भी इंडियन यूजर टिकटॉक पर टैलेंट दिखाते हैं, नाच वगैरह मतलब डांस वांस कुछ भी कूदफान करते हैं, तो उनका जो भी डेटा है, मतलब जो भी वीडियो, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जितने भी डेटा उनके हो रहे हैं टिकटॉकों पे अपलोड कर रहे हैं, वो सब अब इंडिया में ही रहेगा, क्योंकि टिकटॉक अब इंडिया में अपना स्टोर बना रहा है, बोले तो डेटा स्टोर। टिकटॉक इंडिया में बनाएगा डेटा स्टोर, और टिकटॉक के जितने भी टैलेंटेड वा लोग हैं वो सबका डेटा इंडिया में ही रहेगा, तो यहाँ पे डेटा लीक भी नहीं होगा। और दूसरी बात हम आपको बता ही दें, तो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि टिकटॉक एक चाइना का एप्लीकेशन था, और चाइना बोले तो टिकटॉक हुआ चाइना का बीमारी है, तो ये बीमारी भी टिकटॉक हुआ दूर कर रहा है। अब वो जो अपना चाइना वाला, ये बोले तो चाइना से है, अब वो चाइना का नहीं रहेगा ना, अब वो दूसरे देश का होने वाला है, और यहाँ पे वो अपना यहाँ पे देश बोले तो अपना कंट्री लिफ्टवा कर रहा है, बोले तो लिफ्ट कर रहा है, अब वो दूसरे देश में जाने वाला है और वो सिंगापुर में होने वाला है, तो टिकटॉक हो जाएगा सिंगापुर का और यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा इंडिया में हमारा यूजर्स का, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना टिकटॉक को, मतलब किसी को भी, गवर्नमेंट को भी और सबको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो टिकटॉक वापस आने का चांसेस 99% बढ़ जाएगा और टिकटॉक इंडिया में वापस आएगा, टेंशन नहीं लेने का भाई लोग। और यहाँ पे टिकटॉक बिल्कुल मेरे फ़ोन में चल रहा है, तो आप लोग बोलोगे भाई तू टिकटॉक अभी भी यूज कर रहा है, तू नहीं सुधरेगा, तू देशद्रोही है यार। तो भाई लोग मैं आपको बता दूँ, देशद्रोही बोले तो यार देशद्रोही नहीं, मेरे को अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, बोले तो देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपन टिकटॉक वा इसलिए यूज कर रहा है ना क्योंकि अपन एक नया चैनल खोल रहा है भाई लोग, अरमान रोस्टर के नाम से। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपन उस चैनल पर नए नए वीडियोस लाने वाला, बिल्कुल नया वाला वीडियोस, बिल्कुल रोस्टिंग वाला, और रोस्टिंग वाले वीडियोस के लिए कौन से एप्लीकेशन पर जाओ मेरे को कमेंट करके बताओ, टिकटॉक से अच्छा है कोई प्लेटफॉर्म जिस पे एकदम अच्छा वाला कंटेंट हुआ, एकदम अच्छा वाला मुजरा, एकदम अच्छे अच्छे वीडियोस ना उस मतलब सॉरी वीडियोस मिलेंगे मेरे को रोस्टिंग करने के लिए, और कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे लोगों अपना टैलेंट दिखाता है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो तो हमारे नज़र में है नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म हुआ है टिकटॉक, जिस पे अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे मुजरा, अच्छे अच्छे डांस, अच्छे अच्छे बकचोदी भरे वीडियोस देखने को मिलता है, जिस पे हम रोस्टिंग करेंगे, तो यार आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ अभी तक ये मालूम था कि हमारे इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जो टिकटॉकों पे बकचोदी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग, जब आप बाहर कंट्री वालों का बकचोदी देखोगे तो आप बिल्कुल हिल जाओगे, और हम सबका रोस्टिंग करेंगे, मतलब सारे वीडियोस का करेंगे, इंडिया वाले का भी और बाहर वाले का भी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उसको देखने में। तो यार कर क्या रहे, उस चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, अरमान रोस्टर नाम से, अभी उसमें कुछ फालतू वीडियो हैं, तो वीडियो मैं वो सब वीडियो डिलीट करके बिल्कुल रोस्टिंग वाला वीडियोज डालने वाला हूँ। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, टिकटॉक वापस आएगा कौन कौन चाहता है ऐसा कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम्हारे भाई का ही तो चैनल।